हाय फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त अनिमेश स्वागत करता हूं आपका चैनल साइंस माइंड्स पर। आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेने वाले हैं जिसमें हम समझेंगे न्यूक्लियर पावर प्लांट के वर्किंग के बारे में। आज तक सिर्फ हमने सुना ही है कि न्यूक्लियर पावर प्लांट होता क्या है, पर कभी हमें जानते नहीं है कि वो काम कैसे करता है। आज अगले एक मिनट के बाद आपको पता होगा कि न्यूक्लियर पावर प्लांट एक्चुअली बिजली बनाता कैसे है। न्यूक्लियर पावर प्लांट में यूरेनियम, जो कि एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, यूज होता है एज अ रॉ मटेरियल। यूरेनियम की रॉड्स पर न्यूट्रॉन्स को बम्बार्ड किया जाता है, जिसके कारण यूरेनियम एनर्जी पैदा करता है और ये एनर्जी पैदा होती है हीट के फॉर्म में। इस हीट को आगे यूज किया जाता है पानी को गर्म करने के लिए और इस गर्म पानी को आगे सर्कुलेट किया जाता है भाप को पैदा करने के लिए। ये भाप प्रेशर डालती है बड़े बड़े टर्बाइन के ब्लेड्स के ऊपर और ये ब्लेड्स घूमने लगती हैं। ये घूमती हुई ब्लेड्स जुड़ी हुई होती हैं मोटर से, जो मोटर से पैदा करने में मदद करती हैं एसी इलेक्ट्रिसिटी, और यही इलेक्ट्रिसिटी मतलब बिजली लाइंस के द्वारा पहुंचा दी जाती है हमारे घरों तक। इस प्रोसेस के बाद बचा हुआ यूरेनियम और रेडियो एक्टिव वाटर पैदा होता है, जो कि पर्यावरण को बहुत नुकसान पहुंचाता है। इसी के कारण हाइड्रो एनर्जी, सोलर एनर्जी एंड टाइडल एनर्जी से बिजली पैदा करने के ऊपर बहुत काम किया जा रहा है और एक्सपेक्ट किया जाता है कि न्यूक्लियर पावर प्लांट से बिजली बनाने की क्रिया बहुत ही जल्दी बंद हो जाएगी। तो दोस्तों, इस बार के लिए इतना ही। आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में।